तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 11 का मॉडल कंसेप्ट के बारे में, फंडामेंटल स्टडी कुछ इसके बारे में जो बेसिक आइडिया हम लोग देखें कि मॉडल कंसेप्ट क्या, मॉडल कंसेप्ट आखिर कहता है क्या, मॉडल है क्या। और मॉडल हालांकि क्लास ये 9th में भी दिया होगा, ठीक है, क्लास 9th में ही मॉडल के बारे में चर्चा है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग पता कर देंगे मॉडल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपने फोर्स का यूनिट पढ़ा होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन होता है। ठीक है, वर्क का जो यूनिट होता है आपने जूल देखा होगा। ठीक, वर्क का यूनिट जूल है। और पावर का यूनिट आपने पढ़ा है क्या होता है? इसके मतलब इससे हमको ये पता चला कि अगर हमको फोर्स को काउंट करना है तो न्यूटन में करेंगे, वर्क को काउंट करेंगे तो जूल में करेंगे, अगर पावर को काउंट करना है तो हम लोग वाट में काउंट करेंगे। ठीक है, आपने बहुत सारा इस टाइप का ही बात देखेंगे, 50 न्यूटन, 100 जूल, और आपने 50 वाट भी लिखा हुआ देखे होंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि 5 मोल भी, 5 मोल भी लिखा रहता है, 3 मोल भी लिखा रहता है, 2 मोल भी लिखा रहता है, 0.1 मोल भी लिखा होता है, किताब में ऐसा लिखा हो रहता है। एक्चुअली हम लोग मैग्नीट्यूड के बगल में क्या लिखा करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड के बगल में उसकी यूनिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूनिट। इसके मतलब आपने 50 न्यूटन लिखा है, आप फोर्स को काउंट कर रहे हैं किस यूनिट में, न्यूटन में। जूल को काउंट कर रहे हैं वर्क का, वर्क का यूनिट जूल है, हीट का यूनिट जूल है, इसके मतलब जो काउंट हो रहा है यूनिट है, जूल क्या यूनिट है। और 50 वाट है तो पावर को काउंट कर रहे हैं वाट, मतलब कि वाट में। इसी तरह से अगर हम लोग कोई केमिकल को काउंट करना होता है, अगर हमको केमिकल को काउंट करना है, आइदर वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, समथिंग जो भी केमिकल स्पीसीज हो, उसको अगर हमको काउंट करना है तो उसको हम किस यूनिट में काउंट करेंगे, दैट इज मोल। तो अब तो परिभाषा क्लियर हो गया, डिफिनेशन भी क्लियर हो गया कि इट इज द केमिकल काउंटिंग यूनिट। मोल क्या है? केमिकल को काउंट करने का एक यूनिट हमारे पास है। अब आप आसानी से लिख सकते हो, कोई भी अगर पूछता है कि मोल क्या है, इट इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट, केमिकल काउंटिंग यूनिट, मतलब कि केमिकल को अगर काउंट करना है तो हम लोग एक ही यूनिट में काउंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मोल। उसको क्या कहेंगे? मोल कहेंगे। अब बात आती है कि 1 मोल जो है, अगर हम बात करते हैं बेसिक इसकी बात, तो मोल जो होता है, 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंसेस कंटेन पार्टिकल। आखिर 1 मोल कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो छुपा के रखा होगा। 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस कंटेन पार्टिकल विच इज इक्वल टू 6.022 × 10²। आप इसको हम लोग कहते हैं एवोगैड्रोज नंबर। इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। इसको इसका सिंबल जो है हम लोग लिखते हैं एन से, मतलब कि 1 मोल हम लोग किसी चीज का भी, कोई भी केमिकल स्पीसीज हो, अगर 1 मोल हम लेते हैं तो उसमें पार्टिकल की जो संख्या कितना होगा, इतने के बराबर होगा। सपोज हमने कंसीडर किया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर आपने इसमें 1 मोल हाइड्रोजन को कंटेन कर दिया तो इसमें हाइड्रोजन एटम की जो संख्या होगी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम
नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम, हमने एक मोल भर दिया इसमें, ठीक है, इसमें एक मोल हाइड्रोजन भर दिया, सिर्फ H भर दिया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम किसमें कितने बराबर होंगे, 6.022 × 10²³ एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये तो बात हो गई एटम की बात हो गई। सिमिलरली अगर हमने क्या किया कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भर दिया इसमें, क्या है कि आप जानते हो कि ग्रुप ऑफ एटम को क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, मॉलिक्यूल, तो H तो फ्री था ना, तो फ्री था तो एटम था, अब बॉन्ड बना चुका है, ग्रुपिंग में है ये, तो जब बॉन्ड बन चुका है तो डेट इज मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल, हमने वन मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इसमें रख दिया, तो ये जो H2 की बात होने वाली है, बहुत सारा इसमें वन मोल में, तो ये H2 की जो संख्या होगी कितना होगा, 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल ऑफ H2, मॉलिक्यूल ऑफ H2, ये तो हो गया मॉलिक्यूल, आपने एटम समझ लिया, मॉलिक्यूल समझ लिया। अब बात आती है कि हम कर देते हैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब सिंपल हम लोग कहते हैं H+, और इसको हम लोग H+ को प्रोटॉन भी बुलाते हैं, ठीक है, चलिए आप जानिए फिलहाल अभी कि वन मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो इसमें अगर इस कंटेनर में हमने एक मोल हाइड्रोजन आयन्स डाल दिए हैं, तो इस तरह से जो वन मोल आपने हाइड्रोजन आयन डाला है, तो इसकी जो संख्या निकल के आने वाली है कितना है, 6.022 × 10²² H प्लस आयन होगा। तो इससे ये पता चला कि आपने एक मोल कुछ भी लिया, चाहे एटम मॉलिक्यूल आयन्स। अब बात आती है, चलो एक मोल हम कहते हैं कि एक मोल इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस बक्सा में हम एक मोल इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला क्या है, 6.022 × 10²³ इलेक्ट्रॉन। तो वन मोल ऑलवेज रिप्रेजेंट क्या करता है, एवोगैड्रो नंबर, ये सारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। कहने का मतलब है कि आप कह सकते हो कि वन मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलो, या फिर अगर क्लियर है नंबर है तो नंबर दिख रहा है तो आप लिख लो एवोगैड्रो नंबर। तो एक मोल कुछ भी लो तो क्या है, यह एवोगैड्रो नंबर रिप्रेजेंट करता है, के मतलब की बात क्लियर होगी, मोल क्या है, एक केमिकल को काउंट करने की एक हमारे पास यूनिट है, इकाई है और कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला क्या है इसके, आप बोल सकते हो कि बेसिक जो फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर है कि मोल को फाइंड करने के हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहला हम फार्मूला ये बताएंगे कि जो अभी आपको जस्ट डिस्कस किए थे कि वन मोल रिप्रेजेंट एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये फार्मूला से भी क्लियर हो सकता है कि अगर हम लिखते हैं कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स में भी समथिंग कुछ भी हो सकता है, आप इसमें कंफ्यूज न करना कि एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल्स और ये आयन्स, आप कलेक्टिवली इसको बोल सकते हो कि AMI, एटम मॉलिक्यूल और आयन्स, इसके अंतर्गत कुछ भी चल सकता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, समथिंग जो भी आ जाए, जो भी केमिकल्स स्पीसीज होंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर बोलो या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हो, नंबर को हम लोग इस तरह से N और A से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मोल को हम सिंपल भाषा में कैसे डिनोट करने हैं, सिंबल इसका क्या है, small n, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल एन से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर,
मतलब आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एन ए। अगर हम अभी बात किए थे कि वन मोल की बात कर रहे हैं, हम एन के जगह पे वन रख दें तो आप ये अब क्लियर कर सकते हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने के बराबर आने वाला है। तब क्लियर आपका जवाब ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वन मोल तो वन है, और यहाँ पे आप क्रॉस लगाओगे तो वन इंटू